थाना कुरारा क्षेत्र में दिनांक 11 जनवरी को रात्रि को एक सूचना आई थी पुलिस को कि एक कमरे में एक महिला और उसके दो छोटे बच्चे 6 वर्ष और 3 वर्ष के, उनके कमरे में आग लग गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। उक्त के संबंध में जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें ये दर्शाया गया कि उनकी मृत्यु आग लगने से पूर्व ही हो चुकी थी और साथ ही मौके से उनका जो एक भाई था वो संदिग्ध था और मौके से फरार हो गया था। इसके पश्चात पुलिस ने उसके भाई को अरेस्ट किया और उससे पूछताछ की और उसके परिवारजन में जो उसके पति की ओर से जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके भाई पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी गई है जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और साथ ही उसके भाई ने पूछताछ में ये स्वीकार भी किया है, अपना जुर्म का इकबाल किया है कि उसने ही अपनी बहन और उसके दो छोटे बच्चों का कत्ल किया था। सर, इस तरह से कत्ल किया था कैसे, घटना घटना उसने ये बताया है कि उसने घर में जो एक सिलबट्टा होता है उससे उसके सीने पर और सर पर प्रहार किया था जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई और इसके पीछे का कारण ये था कि जो ये अभियुक्त है ये नशे का आदी था और लगातार नशे के लिए पैसे की मांग करता था और इसी कारण इसका इसकी बहन से विवाद हुआ और उसी विवाद के चलते